बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। दिस लेक्चर विल गिव यू अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन्स इन द डिफरेंट सोसाइटीज एंड हाउ दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर एंड एज वेल एज इन द होल वर्ल्ड। एंड आई विल टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म, व्हाट इज फेमिनिज्म एंड व्हाट इज द रोल ऑफ फेमिनिज्म एंड व्हाई दिस मूवमेंट came into being in English literature, what was the reason and what were the consequence about the feminist theory. So we will discuss about the feminist criticism and this lecture will give you the history as well, because I will tell you about the previous history and right now in the modern era how feminist writer were doing their work according to their wishes and according to their taste. So I would like to tell you about such kind of things. So in front of you that would फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। उर्दू में बता दो कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में क्या होता है। फेमिनिज्म जो है एक ऐसी थ्योरी है जो यूजली जो है औरतों के राइट्स और हकूक को कर बात करती है और उन औरतों को मर्दों के बराबर राइट देने की बात करती है और नेचर को, क्योंकि फेमिनिज्म को जो ना फीमेल्स को जो है नेचर के साथ एसोसिएट किया गया है और नेचर की तरह ये डेलिकेट होती हैं, इसलिए वक्त की ये ज़रूरत पेश आए कि फेमिनिज़म को भी उसी तरह उजागर किया जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जितनी भी हैं, मोस्ट ऑफ दुनिया की जितनी भी सोसाइटी हैं वो पेट्रियाकल सोसाइटीज़ होती हैं, यानी इनमें मेल डोमिनेशन ज़्यादा होती है। तो मेल डोमिनेशन के ज़्यादा होने की वजह से क्या है, फीमेल्स के जो राइट्स थे, जो हकूक थे, वो सल्ब हो गए थे और उन सल्ब होने की वजह से ज़्यादातर जो है वो मेल मेंबर ही ऊपर वाला हाथ लेके आता है, जिसकी वजह से ये मसला खड़ा होता है। तो अब हम अगर इसको देखें तो और फेमिनिज्म के ऊपर जो है, दुनिया के ऊपर जो है ना, जितनी भी फीमेल थी उनके राइट्स के बारे में जब ये बात हो रही थी, तो ये वक्त की ज़रूरत पड़ गई कि हमें जो है एक ऐसी थ्योरी जो है हमारे वजूद में लानी है जो हमें फेमिनिज्म के बारे में बता सके, औरतों के राइट्स के बराबरी की सतह पर ले आने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए जो है फेमिनिज्म का वजूद में आया और इस तरह ये थ्योरी जो है मारज़ वजूद में आई। अगर हम आप इसके एस्पेक्ट को हम डिफरेंट को देखते हैं, फेमिनिज्म को डिफाइन करते हैं, फेमिनिज्म इज़ द आइडियालॉजी that believe in the equal right and opportunity for the women in the education, employment and the cultural and social life. They are different between the ideas of feminist around the world, so no one description can fit all varieties of feminist view. हम अगर उर्दू में बताएं कि फेमिनिज्म जो है एक ऐसा आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है, जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि औरतों को मर्दों के बराबर जो है हकूक मिलने चाहिए, चाहे वो एजुकेशन तालीम में हो, उनकी जो है रोज़गार में हो, और इसके साथ साथ जो है हमारा जो सकाफती कल्चर सेटअप होता है उसके अंदर जो है, और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ और व्यूज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर औरतों के, क्योंकि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, कुछ जो है पेट्रियाकल सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर मेल डोमिनेट करते हैं और औरतों के वहाँ पर राइट्स जो है कम हैं, और ज़्यादातर जो है सोसाइटीज़ जो है वो मेल डोमिनेटेड है, तो इसलिए आइडियाज़ और व्यूज़ भी जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसको हमने इस तरह डिफाइन किया है। अब हम देखते हैं फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या देखते हैं। वी हैव अ थ्री पॉइंट ओवर हियर। फर्स्ट पॉइंट इज फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ प्रोडक्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ द 1960 के अंदर जो है ये एक मूवमेंट आई, उसकी प्रोडक्शन है, उससे आउटपुट है, कंसिक्वेंस है। The second one is the feminist criticism of the 1960s and 1970s concerned itself with the representation of women in literature as an expression of the social norms about the women and their social role and as a mean of socialization. अगर हम दूसरे में देखें तो ये औरतों की रिप्रेजेंटेशन के बारे में तर्जमानी की बात कर रहा है लिटरेचर के अंदर, और ये कैसे सोशल नॉर्म्स के अंदर जो है औरत का मकाम है और इसका किरदार क्या है और इसके जो है किरदार की वजह से क्या क्या चीज़ें हैं। इट फोकस ऑन द इमेजेस ऑफ वुमेन इन बुक बाय द मेल राइटर, क्योंकि मेल राइटर ने क्या है कि औरत के इमेज के बारे में जो दिया था उसके ऊपर वो बात करने चाहते हैं। टू एक्सपोज द पेट्रियाकल आइडियोलॉजी, हमें इस बुक से हमें ये पता चलता है कि कैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ होती हैं, उनका आइडिया कैसे काम करते हैं, एंड हाउ वुमेन कैरेक्टर आर पोर्ट्रे, और औरतों का किरदार किस तरह हमें दिखाया गया है। They try to show how male writer emphasizes the masculine dominance in the and superiority. वो हमें ये बताता है कि कैसे male dominant जो होते हैं, male जो लोग होते हैं वो कैसे जो है dominance रखते हैं और super बनते हैं, superior हो जाते हैं female के अंदर।
इसके तीसरे इशू को देखें, इन 1980s इट स्विच्ड इट्स फोकस फ्रॉम अटैकिंग मेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन एंड रिकवरिंग द फॉरगेटिंग एंड नेग्लेक्टेड वर्क बाय द वुमेन। 1918 में जो है इस बात के ऊपर जो है इस फोकस किया गया कि कैसे मेल जो है एक फीमेल का जो है अपने मास्क के जरिए जो है फीमेल का किरदार अदा कर देते हैं, उनकी शक्ल सूरत को तो वो प्रेजेंट कर सकते थे लेकिन उसके जो असल एसेंस है वो सामने नहीं आती थी, इसलिए जो है औरतों के वर्क्स के ऊपर जो है वो देखा गया ताकि जो है औरतें ही एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर सकें लिटरेचर के अंदर, ना कि मेल जो है वही अपने रिप्रेजेंटेशन के अंदर वो जो है आए। अब हम देखते हैं अर्ली फेमिनिस्ट, हु आर द अर्ली फेमिनिस्ट। वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट राइटिंग इज अ मैरी मैरी वोल्सटॉर्मक्राफ्ट जो है इज वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स, दिट वॉज द बुक नेम ऑफ वुमेन इन 1792 1792 में ये बुक आपके सामने आई, इन विच शी क्रिटिसाइज स्टीरियोटाइप ऑफ वुमेन एज ए इमोशनल एंड इंस्टिंक्ट एंड आर्ग्यू दैट द वुमेन शुड एस्पायर टू द सेम रेशनैलिटी एंड प्राइज्ड बाय मेन। अब इसमें जो है ये दिखाया गया कि औरतों के अंदर जो है वो किस तरह जो है ने क्रिटिसाइज किया कि औरतों के राइट्स और इमोशंस के बारे में, और किस तरह वो अर्ज करते हैं कि औरतों को एस्पायर किया जाए अकलमंदी के साथ और प्राइज बाय द वुमेन उसने और मर्दों ने उसको ट्रीट किया। अब वोल्सटॉर्मक्राफ्ट जो है बिलीव दैट द वुमेन शुड इंजॉय सोशल लीगल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटी विद द मैन। अब उसने अर्लियर फेमिनिस्ट में जो है इसने ये कहा था कि वोल्सटॉर्मक्राफ्ट ने कि बेसिकली जो है मर्द और औरतें दोनों ही अल्लाह की क्रिएशन हैं, तो इसमें जो फीमेल्स है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल हजरात जो हैं वो फीमेल्स के जो राइट्स को सल्व कर लेते हैं, तो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि सोशल और लीगल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटी मिलनी चाहिए कि माशरे के अंदर जो है उसके माशरती मामलात हो, उसके कानूनी हों, उसके जो है इंटेलेक्चुअल हों, वो मर्द के बराबर होना चाहिए और उनको बराबर राइट्स मिलना चाहिए। अब हम दूसरा देखते हैं जो अर्ली फेमिनिस्ट में जॉन स्टुअर्ट मिल जो है एसे ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इन 1869, ये क्या है कि 1869 में जो एक ऐसे आया इस डिफेंस ऑफ द जेंडर इक्वेलिटी इन विच ही अटैक्स द आइडिया दैट वुमेन आर नेचुरली इनकैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स दैट द मैन कैन डू। अब इसके अंदर जो है ये आइडियाज डिफरेंट हुआ कि वो कहता है जो मर्द हजरात कर सकते हैं वो औरत जो है नहीं कर सकती, वो इनकैपेबल है कर नहीं सकती। अब ये दो अपोजिंग आर्गूमेंट्स आ गए हैं मेल और फीमेल के कि मर्द इसलिए डोमिनेट होता है कि वो हर सर्कमस्टेंसेस में काम कर सकता है, ऑन द अदर हैंड फीमेल जो है वो हर सर्कमस्टेंसेस में काम नहीं कर सकती तो एंड शुड देयरफॉर बी फॉरबिडन फॉर द डूइंग देम, इसलिए इस तरह करने से क्या होकर फॉरबिड करते हैं मना करते हैं। तो उसने जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या है कि अपर हैंड कहा है उसको यानी दे या फायदा दिया है, ऑन द अदर हैंड जो है दूसरी तरफ जो है इसके अपोजिंग आर्गूमेंट हैं और ये अपोजिंग आर्गूमेंट होने की वजह से ये आपस में डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो ये अर्लीस्ट फेमिनिस्ट थे जो जिनके व्यूज जो है अपोजिंग आर्गूमेंट थे, एक दूसरे से जो है बिल्कुल मुख्तलिफ आर्गूमेंट थे। अब हम जो है नेक्स्ट को देखते हैं कि इसमें जो है हम द सेकेंड वेव, अब जो है ना ये पहली वेव थी, अब हम सेकेंड वेव के ऊपर बात करते हैं। द सेकेंड वेव फेमिनिज्म इज द मोमेंट दैट बिगेन इन द अर्ली 1960s। सेकेंड वेव जो आई है वो 1960s के अंदर आई है एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट और मौजूदा दौर तक जो है वो कैम रही। द फ्रेंच फिलासफर सैमन डे बोवर जो है डिस्कस मैनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द फेमिनिज्म एंड द फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इनजस्टिस इन हर ग्राउंड ब्रेकिंग बुक, इसका जो है फ्रेंच की थी और उसमें जो है उर्दू इंग्लिश में सेकंड सेक्स जो है पब्लिश इन 1949। द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज लार्जली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी विद द एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड द इनइक्वलिटी ऑफ लॉ। अब जो सेकंड वेव के अंदर जो हुई वो द सेकंड सेक्स के अंदर उसने क्या कहा है कि औरतों के अंदर जो है इकोनॉमिक्स और सोशल और इसके अंदर जो जितनी भी बर्ताव है ये इक्वल नहीं है, इसको इक्वल होना चाहिए और इक्वलिटी ऑफ लॉ के ऊपर उसने बात किया है, कानून के ऊपर बात किया है। तो ये जो सेकंड वेव है दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इकोनॉमिक्स सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी औरत का मकाम को बताया गया है और इसके साथ साथ जो है सोशल इशू के ऊपर भी बताया गया और थर्डली जो है इनइक्वलिटी लॉ में जो है वो भी उसके ऊपर बात की गई है। तो ये सेकंड वेव के बारे में। अब हम मूवमेंट की बात करते हैं, द फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी अर्ली 20
अब लेट जो है 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th में इन यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इट फोकस ऑन द प्रमोशन ऑफ इक्वल राइट फॉर वुमेन, औरतों और मर्दों के जो है बराबर हकूक के ऊपर बात की गई। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के अख्ताम के ऊपर द फोकस वॉज मोर ऑन पोलिटिकल राइट, पर्टिकुलरली द राइट ऑफ वुमेन सफरेज, सफरेज होता है वोट के हक के ऊपर, यानी पोलिटिकल राइट्स के ऊपर देखा गया है कि पोलिटिकल राइट्स में क्या है कि वो एक वोट भी दे सकती है, वोट देने का उसका हक भी होता है, और ये वोट देना जो है पोलिटिकल हक जो है उस वक्त कंसिडर किया गया। अब हम जो है अगर मज़ीद हिस्ट्री को जो डिग आउट करते हैं, अगर देखते हैं तो एंग्लो अमेरिकन एंड फ्रेंच स्कूल क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स क्या कहते हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं। वाइल द फ्रेंच फेमिनिस्ट हैव अडॉप्टेड एंड अडेप्टेड अ ग्रेट डील ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म एज द बेसिस ऑफ द मच ऑफ देयर वर्क, एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट हैज टेंडर टू बी मोर स्केप्टिकल अबाउट द रीसेंट क्रिटिक थ्योरी एंड मोर कॉन्शियस इन द यूजिंग ऑफ इट। अब हम जो है वो एंग्लो सैक्सन जितने भी होते थे वो बड़े शक्की मिजाज थे और इस थ्योरी के अगेंस्ट जो है वो बड़े कॉन्शियस थे इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, ये उनकी हिस्ट्री बताती है। दूसरा एस्पेक्ट देते हैं एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट क्या कहते थे, क्रिटिसाइज स्ट्रीट लिटरेचर एज द सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमेन लाइव एंड एक्सपीरियंस विच कैन बी मयर्ड एंड एवेल्यूएटेड अगेंस्ट द रियलिटी। उसने ये बताया है कि इसके अंदर जो है और औरतें जितनी भी होती हैं उनकी लाइफ के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में जो है मेजर किया गया और अवेलुएट भी किया गया हकीकत के बिल्कुल करीब। दे सी द क्लोज रीडिंग एंड एक्सप्लिकेशंस ऑफ द इंडिविजुअल लिटरेरी टेक्स्ट एट द मेजर बिजनेस ऑफ द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। उन्होंने जो औरतों के बारे में टेक्स्ट दिए गए हैं पढ़ा गया उसके बारे में बताया गया। सम प्लेसेस एम्फसाइजेस, हम अब अगर इसको देखें, सम प्लेसेस एम्फसाइजेस ऑन द यूज ऑफ हिस्टोरिकल इन द यूज ऑफ हिस्टोरिकल एंड डाटा एंड नॉन लिटरेरी मटीरियल। आप देखें हिस्टोरिकल भी है और नॉन लिटरेरी डाटा भी है, उसके अंदर औरतों की जो है उसकी एम्फोसाइज किया गया राइट्स के ऊपर, सच एज द डायरीज मेमोज हैं, सोशल इशू हैं, सोशल्स हैं एंड मेडिकल हिस्ट्री इन द अंडरस्टैंडिंग द लिटरेरी टेक्स्ट। अब औरत का जो है लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर जो है मकाम क्या था उसके बारे में बात की गई है। द थर्ड वन जो है अमेरिकन क्रिटिक एलियन शोल्डर जो है वो क्या कहते हैं, इज यूजली टेकन एज द मेजर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अप्रोच, वो क्या कि इस अप्रोच का जो है बहुत बड़ा जो है तर्जमान है, बट द अदर एग्जाम्पलर्स वुड बी सेंडेरा गिलबर्ट एंड सोजन गैबर एंड पेट्रोइका मेयर स्पेक्स, जो ना ये दूसरे और जो हैं जो इस इशू के ऊपर जो है वो बात कर रही थी। Thank you so much for watching my lecture and I will wait for your comments. Thank you so much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.